उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर आए, उनका स्वागत ढोल ताशे बजाकर किया गया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि अगर मोदी शाह नहीं होते तो नागपुर का आदमी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। उन्होंने कहा, अगर वह आदेश देते हैं तो मैं घर पर रहने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ बेईमानी हुई, पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर पहुंचे, जिसके बाद उनका एयरपोर्ट से उनके घर तक जो है जंगी स्वागत जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। ढोल ताशों के साथ जो है ये जंगी स्वागत किया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसे देख पा रहे हो, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से स्वागत जो है देवेंद्र फडणवीस का किया जा रहा है। हम आज लक्ष्मीनगर चौराहा पर खड़े हैं। ये चौराहा वो है, यहाँ से जो रास्ता जाता है वो देवेंद्र फडणवीस के घर तक जाता है। और आप देख पा रहे हो किस तरह से शुभेच्छा के बैनर यहाँ पे लगाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पे स्क्रीन पर जो है वो बताया जा रहा है किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है और उनका कार्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये वो परिसर है जो विधानसभा क्षेत्र उनका है। आप देख पा रहे हो किस तरह का यहाँ का माहौल है। गाने, देशभक्ति पर गाने भी यहाँ चल रहे हैं और कड़ा पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि कड़ा पुलिस का बंदोबस्त भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। चौराहा पर जंगी स्वागत किया जा रहा है एयरपोर्ट से उनके घर तक जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आप देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। ये चौराहा लक्ष्मीनगर चौराहा है, हम वहाँ खड़े हैं और आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे ये चौराहा को भी जो बीजेपी के झंडे है उसे सजाया गया है। आज जो है पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में पहुंचे हैं, जिसके बाद जंगी स्वागत होने जा रहा है, उसके बाद उनकी जाहिर सभा भी होगी। उपस्थित असलेले माझ्या मोठ्या बहीण सुलेखाताई कुंभारे मंचावरील आणि समोरील सुधाकर कोळे सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व नागरिक आणि कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, मला तुम्हाला सांगताना आनंद होतो की तुमचं सरकार महाराष्ट्रात आलं। अडीच वर्षापूर्वी 2019 महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचं शिवसेनेसोबत सरकार आणलं, पण आपल्याशी बेईमानी झाली, आपल्या पाठीत खंजीर भोकला गेला, आपला मॅन्डेट पळवला गेला, जनतेचा कौल चोरी गेला, पण तो चोरी गेलेला कौल पुन्हा एकदा 2.5 वर्षाची लढाई लढून आम्ही परत मिळवलेला आहे। हा तुमचा कौल आहे, ही तुमची मानसिकता व तुमच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा, आणि आशा आकांक्षा अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता पुन्हा एकदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं नव्यानं युतीचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपण आणणार। एकनाथरावजी शिंदे हे आपले मुख्यमंत्री आहेत, एकदा जोरदार टाळ्याने त्यांचं स्वागत करूया। आज मला अतिशय आनंद आहे, गेले जवळजवळ 1 महिना 5 दिवस मी नागपूरपासून दूर होतो। या ठिकाणी सातत्याने एक लढाई चालली होती, त्यांना नागपूरमध्ये येता येत नव्हतं। नागपूर आपली जन्मभूमी आहे, कर्मभूमी आहे, पुण्यभूमी आहे, विचारभूमी आहे, त्यामुळे नागपूरमध्ये कधी यायला मिळतं असं वाटत होतं,
कभी तुमच्याशी भेटतो असं वाटत होतं आणि आज नागपूरमध्ये आल्यानंतर तुम्ही सर्वांनी जो भव्य सत्कार केला मी खरं म्हणजे तुमचे आभार कसे मानू हेच मला या ठिकाणी समजत नाही. पण आपल्यांचे आभार मानायचे नसतात, आपल्यांच्या ऋणातच राहायचं असतं, त्यामुळे तुमचं नेहमीच माझ्यावर ऋण राहणार आहे. महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह के 8 दिन गुजरे हैं उसके बाद जो सरकार यहाँ स्थापन हुई है, नागपुर के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो पहली बार नागपुर आ रहे हैं. इसके बाद यहाँ जो है नागपुर में जंगी स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है. आज हम लक्ष्मी नगर चौक पर, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है. साथ ही साथ जो है बैनर लगाए गए हैं, शुभेच्छा बैनर, और आप देख पा रहे हो यहाँ भी कितनी भीड़ है. हम जानेंगे कार्यकर्ताओं से कि आज पहली बार वो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद शहर में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है नागपुर वासियों के लिए कि हमारे फिर से देवेंद्र जी पूर्ण निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं. ये पूरे नागपुर के लिए एक दिवाली से कम पर्व नहीं मना रहे हम. हमारे देवेंद्र जी पूरे महाराष्ट्र को पूरा नेतृत्व करेंगे और आने वाले समय से महाराष्ट्र की समस्याओं का निर्वहन करेंगे और उसके साथ में देश के महाराष्ट्र के करीब 14 से 15 करोड़ आदिवासी उनके साथ में खड़े हैं. उनके सामने समर्थन करते हुए हम देवेंद्र जी का हर्षोल्लास से अपना उत्सव मना रहे हैं. हमारे उत्साह से और दिवाली से कम पर्व नहीं है हमारे लिए. हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा चाहते हैं. जनता का भला करें, जनता को जनता का आशीर्वाद उनके साथ है. पूरे जोर से हम उनका स्वागत करते हैं. धन्यवाद. आज ऐसा लगता है हमारे यहाँ रामनवमी का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है. ऐसा लग रहा है देवेंद्र जी के उप मुख्यमंत्री बनने से रामनवमी का एक त्यौहार ऐसा लग रहा है. बहुत ज़्यादा हमको बहुत खुशी है हम लोगों को. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक ही उद्देश्य था, हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के लिए जो पार्टी खड़ी हुई थी उनका ये नैसर्गिक अलायंस फिर से हो गया है. इसलिए हम हिंदू राष्ट्र के जो समर्थक है वो बहुत खुश है और आज उसी उपलक्ष में देवेंद्र जी का हम स्वागत करने यहाँ उपस्थित हुए. संत येते घरा तोची दिवाळी दसरा, याप्रमाणे आज सगळे नागपूरकर आम्ही या ठिकाणी दिवाळी साजरी करतो. आम्हाला खूप मनोमन आनंद आहे की ज्यांनी सांगितलं होतं मी पुन्हा येईल आणि त्यांना न येण्यासाठी ज्या लोकांनी काही गोष्टी केल्या परंतु त्यांनी येऊन दाखवलं म्हणून आम्हाला त्यांचा मनोमन आनंद आहे. आम्ही शब्दात ते व्यक्त करू नाही शकत. साहेब थोड्या वेळात येत आहेत, आम्ही मनापासून त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. नमस्कार. आज अपने निवासस्थान पर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 2.5 साल प्रतीक्षा के बाद में जनता का विश्वास हासिल करते हुए शिवसेना का एक गट ने उनको समर्थन दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया. केंद्रीय नेतृत्व ने एक फैसला लिया और देवेंद्र जी ने फैसला लिया, शिवसेना गट को ही मुख्यमंत्री का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री की जवाबदारी संभालते हुए हमारे लिए गर्व की बात है और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे घर जो क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र से हमारा उप मुख्यमंत्री बनाए और आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति की ओर जाने वाला है. मोदी जी का सहयोग से केंद्र शासन, राज्य शासन, महानगर पालिका के नेतृत्व में नागपुर शहर चौतरफा विकास करने वाला. मैं देवेंद्र जी का बहुत शुभकामना देता हूँ, नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ और महाराष्ट्र की जनता का भी धन्यवाद जिन्होंने ऐसे नेता को चुन के दिया जो महाराष्ट्र को गति देने के लिए, एक दिशा देने के लिए, एक विकास का काम करने के लिए वो ऐसे नेता को नेतृत्व स्वीकार किया. जय जय श्री राम. समस्त नागपुर शहर के लिए एक अभिमान का विषय है कि नागपुर शहर की आन बान और शान महाराष्ट्र प्रदेश के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस इनका यहाँ पर आगमन हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि नागपुर की समस्त जनता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो उनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करने के लिए उपस्थित है, मैं उन सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जो यहाँ पर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं और हम सबको उद्बोधित करने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ. धन्यवाद. तो आप देख पा रहे हो किस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है दिखाई दे रहा है. कार्यकर्ता जो है यहाँ हमने सुना कि किस तरह से बता रहे हैं कि आज जो है हम दिवाली मना रहे हैं, एक उत्सव का पर्व हम मना रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ये भावना हमें व्यक्त की है कार्यकर्ताओं ने. कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर.